17 इंच की एलसीडी है लिनोवो की थिंक विजन में। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये चेक करें, ये पावर वाली लाइट ऑन हो रही है इसकी, लेकिन ये डिस्प्ले शो नहीं हो रहा है इसका। ये पावर वाला बटन पुश करता हूँ, ये ऑफ हो गई है, ये दोबारा से पुश किया है, ये टर्निंग ऑन हुई है। ये चेक करें, इसका अपना लोगो आया है, ये डिस्प्ले भी इसका शो हुआ है और साथ ही ऑफ हो गया। ठीक है, ये रॉड इसके बंद हो गए हैं लेकिन बैक के ऊपर मध्यम सा डिस्प्ले इसका शो हो रहा है। इसी प्रॉब्लम में ये एलसीडी हमें रिपेयरिंग के लिए आई है, तो चलें चेक करते हैं इसको कि क्या प्रॉब्लम है इसको। ये रॉड इसके बंद हो रहे हैं, रॉड्स का प्रॉब्लम है या पीछे इन्वर्टर किट का कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए इसको ओपन करना पड़ेगा हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अल्लाह के फजल और उसके करम से आज फिर एक नई इन्फो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये 17 इंच की एलसीडी है लिनोवो की थिंक विजन में। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये चेक करें, ये पावर वाली लाइट ऑन हो रही है इसकी, लेकिन ये डिस्प्ले शो नहीं हो रहा है इसका। ये पावर वाला बटन पुश करता हूँ, ये ऑफ हो गई है, ये दोबारा से पुश किया है, ये टर्निंग ऑन हुई है। ये चेक करें, इसका अपना लोगो आया है, ये डिस्प्ले भी इसका शो हुआ है और साथ ही ऑफ हो गया। ठीक है, ये रॉड इसके बंद हो गए हैं लेकिन बैक के ऊपर मध्यम सा डिस्प्ले इसका शो हो रहा है। इसी प्रॉब्लम में ये एलसीडी हमें रिपेयरिंग के लिए आई है, तो चलें चेक करते हैं इसको कि क्या प्रॉब्लम है इसको। ये रॉड इसके बंद हो रहे हैं, रॉड्स का प्रॉब्लम है या पीछे इन्वर्टर किट का कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए इसको ओपन करना पड़ेगा हमें। तो चलें स्टार्ट करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं, ये बाहर उतारते हैं इसकी। बिस्मिल्लाह, ये स्क्रू लगे हुए हैं, इसको स्क्रू ओपन कर लेंगे। बिस्मिल्लाह जी, ये कवर उतर गया इसका। तो अभी ये इसका स्टैंड है, तो 4 स्क्रू लगे हुए हैं, ये 4 स्क्रू ओपन कर लेंगे। काफ़ी घसी हुई है, बिस्मिल्लाह जी, ये स्टैंड उतर गया इसका। तो ये स्क्रीन है, इसको लगे हुए 3, ये स्क्रीन भी ओपन कर ली है। अब ये इसका जो बैक कवर है, ये बैक कवर इसका ओपन कर लेंगे। बिस्मिल्लाह जी, ये डी कवर ओपन हो गया इसका। तो ये आ गए इसके जो रॉड है, उसका जैक आ गया। ठीक है, ये जिसका रॉड है इसके जैक है ये। तो अभी ये ओपन कर लेंगे, किट को बाहर निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाह जी, ये किट आ गई है सामने हमारे। तो ये स्क्रीन लदा हो गई है इसकी। अब ये किट को निकाल लेंगे, बाहर ओपन कर लेंगे। पहले किट चेक कर लेंगे इसकी कि इसका कोई पिया वगैरह, कैपेसिटर वगैरह तो नहीं को ख़राब, या कोई सप्लाई का कोई इशू तो नहीं है। ठीक है, तो ये अभी इसको स्क्रीन ओपन कर लेंगे। बिस्मिल्लाह जी, ये ओपन कर लिए, ये किट आ गई हमारे सामने। तो ये पीएफ इसके बोल के लोके हैं। ठीक है, पीएफ जो है ना वो ठीक है इसके। तो इसके रॉड चेक कर लेंगे अब कि रॉड का प्रॉब्लम है। ये 2 रॉड्स हैं इसके, तो अब इसको पैक करके तो एक दफ़ा रॉड लगा के चेक करते हैं दूसरे वाले अपने जो के रॉड है जी। बिस्मिल्लाह, ये पैक की है, तो ये चेक करें, ये रॉड इसको अपना लगाया हुआ है एलसीडी को। ठीक है, और एक जो है ना रॉड बाहर से लगाया हुआ है हमने। तो ये चेक करें, ये मैं इसको पावर केबल उतारी है मैंने, इसको दोबारा से ऑन करता हूँ। ये चेक कर रहे हैं, ये रॉड ऑन हुआ है। ठीक है, ये इसका अपना डिस्प्ले प्रॉपर चल रहा है। तो ये नीचे वाला जो रॉड है ये शॉर्ट है, तो ये चेक करें, ये स्क्रीन के ऊपर इसका डिस्प्ले भी शो हो रहा है। ठीक है, चेक सिग्नल केबल का। तो ये नीचे वाला जो रॉड है ये शॉर्ट है, तो ये जैसे ही हम इसको उतार के तो ये नीचे वाला रॉड लगाते हैं तो ये बंद हो जाता है। चेक करें, ये लगाइए, पावर केबल प्लग इन करता हूँ मैं। ये चीज़ चेक करें, ये इसका डिस्प्ले आया है। चेक करें, डिस्प्ले आया इसका, साथ ही ऑफ हो गया। चेक कर दें, तो ये नीचे वाला जो रॉड है ये शॉर्ट है, इसको एलईडी जो है ना वो डालेंगे हम। तो चलें एलईडी इसको लगवा लेते हैं जी। बिस्मिल्लाह, ये इसका रॉड जो है ना ख़राब है,
तो ये जो है ना इसका एलईडी ही चेंज होगी। तो एलईडी फिलहाल जो है ना अभी अवेलेबल नहीं है, अभी इसको जो है ना कस्टमर से पूछ के फिर फाइनल करेंगे। अगर ये कस्टमर मानता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको पैक कर देंगे। ठीक है, तो ये एलईडी चेंज होगी, फॉल्ट जो है ना वो ट्रेस हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।